वेन यू मीट एन ओवर फ्रेंडली कुत्ता, देखो जान ना पहचान बड़े मियाँ सलामा। इट्स ऑलरेडी 7 o'clock। पाँच बजे उठे थे हम लोग। चाहते क्या हो सर आप? आपने कहा था 5 बजे पहुंच जाओगे, 2 घंटे से आपका वेट कर रहे हैं। नाम का टॉप जो क्वालिटी है प्रोफेसर्स की, टीचर्स की, वो इतनी घटिया, इतनी घटिया। क्या नाम है आपके कॉलेज का? मैं अपना मुंह छुपा लूं क्या? अपना नाम, अपने घटिया कॉलेज का नाम? यार मैंने कॉलेज का नाम घटिया नहीं बोला, मैंने बोला प्रोफेसर घटिया थे। तो क्या आप उनका नाम लेना चाहेंगे? कॉलेज नंबर 1 है। कॉलेज 1 नंबर था। अच्छा कॉलेज नंबर 1 कैसे हो सकता है यार? मैं किसी व्यक्तिगत आदमी को लेके किसी को किसी के ऊपर उंगली नहीं। हम सब उसका लोकेशन भी काफी ज्यादा, उसके ठीक पीछे, ठीक पीछे गर्ल्स कॉलेज था। नहीं गर्ल्स कॉलेज को बोले तो तीन सीनियर की दुकान है। सही है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? हम जा रहे हैं छोटा लद्दाख। रुक जाएंगे तो बारिश होती रहेगी फिर सर। हाँ बहुत ज़्यादा होगी ना। हाँ तब रुक जाएंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं सेल पेट्रोल पंप। वो भाई वो आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, वो स्टोन क्वारी थी, वहाँ से पत्थर तोड़ तोड़ के निकाले जाते थे ब्लास्ट कर करके। हाउ अबाउट सम फ्रेशली ब्रूड कॉफी? यस ऑलवेज अप फॉर कॉफी। लैंको हॉस्कोटे हाईवे टोल, फुल ट्रैफिक। मैं कह रहा था 2 मिनट का डिटूर ले सकते हैं क्या? कहाँ चलना है? तो चीज दिखाऊंगा तुमको। दिस मडी रोड विल टेक अस टू हॉस्कोटे लेक, एंड इफ यू आर गोइंग टू छोटा लद्दाख यू कैन ऑल्सो कम हियर इन बिटवीन। दिस इज अ नाइस प्लेस। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर लग रहा है। साइकिल सैल्यूट सैल्यूट। When you go on a road trip, sometimes even Google Map confuses you and you have to take the U-turn. Look at this small hilly area. So यहाँ से हमने एक छोटा सा right turn लिया है. So make sure when you are coming to this place, don't forget this. राइट टर्न।
यहाँ जंगलों के बीच में हम लोग लद्दाख का रास्ता ढूंढते हुए लाइक वी आर स्टिल अबाउट टू रीच द प्लेस बट आई विल से दिस रोड ट्रिप इटसेल्फ इज क्वाइट अमेजिंग फुल ग्रीनरी एंड माउंटेन्स तो यहाँ हमने अपनी बाइक पार्क कर दी और इसका हमने दिया है 50 रुपीज पर बाइक। अरे भाई अपना हेलमेट तो लगा। एक्स्ट्रा नहीं है, ज्यादा नहीं है पैसे। हाँ 50 रुपए बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम बेसि कर दीजिए। हाँ पार्किंग का 50 रुपए मतलब टू व्हीलर का। ये भाई कौन सा टेंडर पास किया आपने? तलवार वाला मजाक नहीं कर रहे, सच में बहुत ज्यादा खतरनाक। क्या बोलते हैं इसको, लोग मरते हैं इससे। ऐसा है क्या? इससे पहले जो पुराने महाराजा महाराजा थे वो तलवारें बनाया करते थे ऐसे। तो ध्यान दें आप कभी भी जब यहाँ पर आएँ तो बाइक वहाँ नहीं, यहाँ पार्क करें। एंड हियर यू डोंट हैव टू पे एनी पार्किंग चार्जेस। तो हम लोग पहुँच चुके हैं छोटा लद्दाख। देखिए तो हम लोग जा रहे हैं अब नीचे। चलिए सर, काफ़ी स्टीप जगह है तो यहाँ जब आप कभी भी आएँ तो अपने हाथ पैर दोनों का उपयोग करें। तुलसियों से भरा हुआ है यहाँ, तुलसियाँ ही तुलसियाँ हैं। सही भाई, यहाँ पे काफी ग्रीन है, लेमन ग्रास मिल रही है यहाँ पर। कोच काफी खुश। तुम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। No, I was watching one YouTube video. So in that somebody was saying that one biker suddenly found, like he was just roaming around and he found this place and then he named it as a Chota Ladda. And after that people started calling it. It could be possible because if he is a biker he might have been to Ladakh. Yeah. And then he must be dying to go back to Ladakh again. Yeah. So he found this. He was not able to go back. But he thought okay. Then he found this place. And then he found this place. So he thought okay, why not call this Ladakh? Chota Ladakh. For my own satisfaction. For my own satisfaction, at least for one day satisfaction. So that's how this place got discovered and got named after Ladakh. Quite an interesting story. See, we have found these bottles and a lot of garbage. So if you come to these places, please don't do this. Like this is not good. Full of plastic. This place we have come for the very first time. So what is your opinion? Like what do you want to say about this place? It's a great place to, you know, first things first, it's very close to Bangalore. And if you are in Bangalore and you want to spend a couple of hours with your family and friends, and you know, just want to refresh yourself, then it's a really great place. You should definitely come here. Just be a little careful while you know walking around this area, because there are lots of this used to be a stone quarry, and you know, just be careful. And if you're coming with kids, then you can come with kids as well. Very safe as such, but don't go quite very very, you know, dangerously close to the to the quarry. It's a very peaceful place, so I'll definitely come again with my family and friends. Okay, so this is the end of the trip and now we are going back to
होम। तो बेसिकली ये वाला रास्ता है जहाँ से आप अपनी बाइक ऊपर ले जा सकते हैं। So this is the end of the vlog and see you in the next video.